हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 30 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। और चैनल पे अक्टूबर मंथ की पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो अपलोड हो गई है विजन आईएएस की। आई वुड रेकमेंड आप प्लीज उस वीडियो को देखिए, बहुत ही छोटी वीडियो है कंपैरेटिवली बाकी वीडियोस जो विजन आईएएस की चैनल पे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एके गोपालन केस में किस तरह से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिफरेंशिएट किया गया था वो एक्सप्लेन किया है। लैंड रिकॉर्ड्स में राइट ऑफ रिकॉर्ड या और साथ में यू नो जो कैडेस्ट्रल मैप्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं और कैसे दोनों को इंटीग्रेट करना, दोनों के यू नो डेटा को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है, और भी बहुत सारी चीजें। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ये बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन सरकार द्वारा सिर्फ और सिर्फ यू नो जो पब्लिक डिसऑर्डर केसेस हैं उसमें यूज किया जाना चाहिए, ना ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट की है पब्लिक डिसऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बीच में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में उस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं, तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो पहला आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, कार्स टू प्लेन्स टू ट्रेन्स, सैंक्शंस हिट रशिया, आस्क्स इंडिया फॉर क्रूशियल पार्ट्स। तो देखिए, फाइनली हमें ये पता चला है, ये चीज यहां नहीं लिखी इस पैराग्राफ में, पर मॉस्को ने एक इंडिया को लिस्ट भेजी थी जिसमें 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की उन्होंने मांग की है कि आप हमें प्लीज एक्सपोर्ट कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। इसमें कार के पार्ट्स, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, ट्रेन के बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारे और रॉ मटेरियल्स, इस तरह की चीजों की उन्होंने लिस्ट में मांग की है। अब देखिए, आपको ये बात पता है कि रशिया पे ऑलरेडी बहुत सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं। ऑफ कोर्स मार्केट में जितने भी और प्लेयर्स हैं इस तरह के पार्ट्स डिलीवर करने के लिए, एयरक्राफ्ट इज ऑलमोस्ट फॉरेन मेड इवन फॉर रशिया। तो अब जब पार्ट्स ही नहीं है उनके पास, तो वो कैसे इस चीज को यू नो बना पाएंगे। तो ऑफ कोर्स जो उनकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो काफी कम कंट्रीज बची हैं, अब आपको इंडिया है, चाइना है, आपको ये भी पता है कि नॉर्थ कोरिया के साथ भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद रशिया इस तरह की डील्स कर रहा है। ऑफ कोर्स बैक चैनल डील्स हैं, किसी को इस बारे में पता नहीं है, बट ऑफ कोर्स द रिपोर्ट्स एलीज के इस तरह का डील उनके साथ चल रहा है नॉर्थ कोरिया के साथ। ईरान के हमने देखे किस तरह से रशिया ड्रोन्स यूज कर रहा है यूक्रेन फाइट में, बट ऑफ कोर्स ये तो सिविलियन चीजें हैं, उनके डेली बेसिस की चीजें हैं, एयरक्राफ्ट, कार्स, ट्रेन की जो पार्ट्स हैं। तो इसीलिए इंडिया को भी कोई दिक्कत नहीं होगी ये चीज एक्सपोर्ट करने में। और ये लिस्ट बेसिकली उन्होंने हमें, जब एस जयशंकर हमारे नवंबर 7 और 8 को बेसिकली मॉस्को गए थे, उससे पहले ही ये लिस्ट हमें उन्होंने भेज दी थी। हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता कि इंडिया ने क्या रिप्लाई किया उधर जाके जब वो नवंबर 7 और 8 को गए, वी डू नॉट नो अबाउट दैट, पर ये लिस्ट कंफर्म हो गई है कि हमें भेजी गई है। अब आप ये देखिए, इससे दो तीन बातें बहुत अच्छी हुई है इंडिया के लिए। ओके, तो कैसे जब इंडिया ये कहता है कि रशिया के साथ जो हमारा रिलेशन है, टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज वेरी फेवरेबल टू इंडिया, इट हैज ऑलवेज बीन वेरी फेवरेबल टू इंडिया, और इसीलिए हमें यू नो वेस्टर्न प्रेशर में आके रशिया को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, यही बेसिकली यू नो इंडिया का स्टैंड है। तो द लिस्ट अ वर्जन ऑफ विच हैज बीन सीन बाय रॉयटर्स इन न्यू दिल्ली इज प्रोविजनल एंड इट इज अनक्लियर हाउ मेनी ऑफ द आइटम्स विल इवेंचुअली बी एक्सपोर्टेड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। हमें ये नहीं पता कि किस क्वांटिटी में मांगे गए हैं ये 500 तरह के प्रोडक्ट्स, प्रोविजनल लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है भी नहीं। तो ये सारी चीजें इंडिया इज कीन टू। अब देखिए, बात क्या है, क्या फेवरेबल किस तरह से हो सकता है। आपको ये बात पता है कि हम वस्त्रो अकाउंट का एक रूट ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं रशिया के साथ। रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज ने स्विफ्ट चैनल में से हटा दिया है, बॉयकॉट कर दिया है। तो अब बेसिकली रशिया और इंडिया को अगर ट्रेड करना है एक दूसरे के साथ, तो कोई तो रास्ता निकालना था, तो हमने वस्त्रो अकाउंट का एक वे निकाला। वस्त्रो अकाउंट क्या होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप सपोज कीजिए रशिया ने क्या किया, रशिया ने अपना ही एक बैंक अकाउंट खोल लिया एसबीआई के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली एसबीआई में वो जो अकाउंट है वो रशिया है, ठीक है। अब हमने रशिया से खरीदा ऑयल, हमने ऑयल खरीदा और उसकी पेमेंट हमने रुबेल्स या डॉलर्स में ना करके रुपीज में की,
और हमने उस पेमेंट को कहाँ जमा करवाया, SBI में खुले हुए रशिया के इस बैंक अकाउंट में। अब रुपीज इसमें हमने डिपॉजिट करवा दी, ठीक है। अब ये तो उस चीज के लिए हमने उनको रुपीज में पेमेंट की जो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रेड तो दो तरफा होता है, हम कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल रशिया ने हमसे इंपोर्ट किया टेक्सटाइल्स, अब इस केस में ये वॉश थ्रू अकाउंट में इंक्लूड होगा नहीं होगा, तो इस केस में कार के पार्ट्स भी वो हमसे ले सकते हैं, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भी ले सकते हैं, ट्रेन्स के पार्ट्स भी ले सकते हैं। तो अब इसके लिए वो रुपीज में हमें पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि रुपीज तो पड़े हैं ना उनके SBI में खुले हुए अकाउंट में पड़े हैं, दैट इज नोन एज वॉश थ्रू अकाउंट, ओके। तो वो हमें उससे पेमेंट कर देंगे। अभी देखिए हमारा ट्रेड जो है वो $17 बिलियन पे पहुंच गया, ये बहुत सारे रिपोर्ट्स हम आए दिन पढ़ते रहते हैं और ये बहुत अनफेवरेबल है अभी तो इंडिया के लिए, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अनफेवरेबल हमारे लिए इसीलिए है कि रुपीज तो हम पेमेंट करते रहते हैं, उनके वॉस्ट्रो अकाउंट में रुपीज ऐसे ही पड़ी रहती है क्योंकि वो तो हमसे कुछ खरीद नहीं रहे खास, है ना। उसमें से $17 बिलियन में से ऐसा कहा जा रहा है कि $16 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट्स ही हैं, $1 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ भारत। तो अगर इस तरह से हमारा ट्रेड बढ़ पाएगा इट वुड बी गुड ओनली, ये वॉस्ट्रो अकाउंट वाला जो रूट है वो फंक्शनल हो जाएगा इन प्रॉपर टर्म्स। साथ ही में इंडिया इज वेरी कीन ऑन एक्सपोर्टिंग सच प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भरता के साथ साथ मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द ग्लोब में भी विश्वास करता है, दिस इज आवर डिक्टम राइट, ये चीज हम फॉलो करना चाहते हैं। तो ये चीज इंडिया की पोजिशनिंग को भी बहुत इन्हांस कर देगी, इंडिया का जो लेवल है इस मार्केट में इट वुड गो अप, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन, ओके। तो यही चीज बेसिकली यहाँ पे लिखी है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। तो दूसरा आर्टिकल है वो एक इंटरनेशनल रिलेशंस का ये आर्टिकल है, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फैसिनेटिंग ऑल्सो। एज इंडिया टेक्स G20 चार्ज, गवर्नमेंट प्लान्स ईयर लॉन्ग कल्चरल स्प्लैश। तो बेसिकली हम अज्यूम कर रहे हैं G20 की प्रेसिडेंसी December 1 को, यानी कि कल। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स हैं कि हम इस डिप्लोमेटिक कैलेंडर को, जितने टाइम की हमें प्रेसिडेंसी मिली है आपको पता है उसमें हमने बहुत सारे कल्चरल इनिशिएटिव्स अंडरटेक करने हैं, 200 से ज़्यादा मीटिंग्स करनी है, पर अगर हम December 1 को इस प्रेसिडेंसी को ले रहे हैं तो कुछ तो स्टार्टिंग में भी करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स समथिंग हैज टू बी अ स्टार्टर फॉर इट, ओके। तो हमारे एजेंडा में बेसिकली वी हैव इंटरेक्शन विद 75 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हम लाइट अप करेंगे 100 मॉन्यूमेंट्स को G20 के लोगों के साथ जो हमने बेसिकली बनाया है, वेरी ब्यूटिफुल लोगो। उसका क्या एथिकल स्टैंड है ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर एथिक्स में एज इट इज ये क्वेश्चन आ गया, जो आ सकता है, अगर क्वेश्चन नेशनल एडुकेशन पॉलिसी पे आ सकता है तो आप नेशनल एडुकेशन पॉलिसी को जो GS में आंसर लिखेंगे वैसा नहीं लिख सकते, यू हैव टू गो विद सर्टन एथिकल कॉनोटेशंस, राइट, यू विल हैव टू। तो वैसा ही अगर G20 के लोगों पे ये पता इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि टॉक्स हाईली ऑफ दी ethical connotations of India, so what would you write? Go and learn about it, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में उसका जो thumbnail है उसका thumbnail ही एक्चुअल में G20 का लोगो है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन में भी लिंक कर दूंगी। तो उसमें किस तरह से जो हमारा G20 का लोगो है, जो लोटस के पेटल्स हैं उसके ऊपर अर्थ इज सिटिंग एंड What it depicts, है ना, तो वासुदेव कुटुंबकम ये सब वगैरह आपको पता होना चाहिए। तो वो वाला लोगो हम बेसिकली मॉन्यूमेंट्स पे लाइट अप करेंगे, हम जो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का जो फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है हम वहां पे भी G20 के लोगों को शोकेस करेंगे। जो हमारे सैंड आर्टिस्ट है, वेल नोन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, जो बेसिकली जो पुरी का बीच है, उड़ीसा का जो बीच है, वहां पे बेसिकली वो G20 का लोगो बनाएंगे, ओके, सैंड से। तो ये हमारे स्टार्टर इनिशिएटिव्स हैं। सोर्सेस सेड दैट दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज एक्टिविटीज एज इट प्रिपेयर्स टू होस्ट मोर देन 200 मीटिंग्स अक्रॉस द कंट्री, वो भी 50 से ज्यादा लोकेशंस पे। अब इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होंगी, नॉन गवर्नमेंटल लेवल्स पे भी, ऑफिशियल लेवल्स पे भी, तो इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों तरह की मीटिंग्स होंगी जो December 1, 2022 से लेकर November 30, 2023 तक कंडक्ट की जाएंगी। और अगर इसकी हम बात करें G20 लीडर समिट कब होगी न्यू दिल्ली में, अगर आप प्रेसिडेंसी होस्ट होल्ड कर रहे हैं तो समिट भी तो आप एक होस्ट करेंगे ही ना, तो वो होगा September 9 से 10, 2023 में, ओके। तो बहुत सारे देखिए फेस्टिवल्स के आसपास वाली जो लोकेशंस है वहां पे इस तरह की मीटिंग्स होंगी, जैसे काइट फेस्टिवल ऑफ गुजरात उसके आसपास एक मीटिंग होगी, जम्मू कश्मीर में अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द मीटिंग्स आर बीइंग शेड्यूल्ड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ये बताते हैं कि जो मीटिंग शेड्यूल की गई हैं, जो लोकेशन शेड्यूल की गई हैं, रिमोट लोकेशंस बेसिकली
चूज की गई हैं, जिससे बेसिकली जो जन भागीदारी का पीपल या पॉपुलर पार्टिसिपेशन का जो हमारा नैरेटिव है जिसमें हम बिलीव करते हैं उसको हम डिपिक्ट कर सकें, यानी कि G20 को हम उस हर रिमोट डिस्ट्रिक्ट के साथ लिंक करते हैं. भारत बिलीव्स इन यू नो दैट एवरीथिंग शुड रीच द लास्ट पर्सन द लास्ट माइंड बिकॉज एवरीबडी इज एन इंडियन. सो वी वॉन्ट टू कनेक्ट देम जहां भी भारत रिप्रेजेंट हो रहा है उस चीज के साथ. एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू शोकेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो इनिशिएटिव है हमारा कि एक डिस्ट्रिक्ट अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है तो वो उसी को यू नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसी को प्रोवाइड की जाए और उसी का एक्सपोजर बढ़ाया जाए, सिर्फ उसी प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा एम्फेसिस मिले उस डिस्ट्रिक्ट में. तो इससे बेसिकली क्या होगा, G20 के जितने भी डेलीगेट्स आएंगे उनको गिफ्ट किया जाएगा लोकल प्रोडक्ट्स को, ताकि बेसिकली हमारा देखो अपना देश तो है ही जो हम डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए कहते हैं, पर देखो हमारा देश फॉर द फॉरेन टूरिस्ट भी हो जाएगा, फॉरेन डेलीगेट्स भी हो जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी गुड. तो टूरिज्म पे इस बार अगर क्वेश्चन आता है GS1 में, यू शुड एक्चुअली हैव वेरी गुड मटेरियल इन योर हैंड क्योंकि देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन. सबसे पहले तो ये 200 लोकेशंस जो होंगी, अभी तो काफी समय है यू नो मेंस में, उस तक जितनी भी इस तरह की लोकेशंस होती हैं, क्या कल्चरल इनिशिएटिव्स हैं, तमिल संगमम जो हमें हमने देखा काशी तमिल संगमम और स्वदेश दर्शन 2.0 आया है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो टूरिज्म में आप लिख सकते हैं, धर्मशाला डिक्लेरेशन. सो इट मेक्स टूरिज्म अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस ईयर. ओके, इंडियाज राइज डीपली लिंक्ड विद राइज ऑफ इंडियन टेक, जयशंकर. तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया का जो राइज है इट इज डीपली लिंक्ड टू द राइज ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, यानी कि हमें एग्नोस्टिक नहीं रहना चाहिए टेक्नोलॉजी को लेके कि हम न्यूट्रल हैं, ऐसा नहीं है. हम अगर टेक्नोलॉजिकली बढ़ेंगे 5G में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या फिर सेमीकंडक्टर में, फैब्रिकेशन यूनिट्स में, सैटेलाइट यू नो इंडस्ट्री में, तो बेसिकली उसी से हमारी ग्लोबल पोजिशनिंग भी बढ़ेगी, उसी से हमें पोलिटिकल इकोनॉमिक हर तरह का लिवराज मिलेगा और हर तरह का एडवांटेज मिलेगा क्योंकि जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग इसी पे निर्भर करती है. लेट्स नॉट टेक टेक्नोलॉजी एज न्यूट्रल बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज नॉट रिमेंड न्यूट्रल. हैड इट बिन सो तो सेमीकंडक्टर्स पे जो हम लड़ाई देख रहे हैं US और यू नो ताइवान और साथ में चाइना का जो एंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल बनता हुआ, क्योंकि तीनों ही सेमीकंडक्टर्स पे निर्भर हैं. चाइना यू नो इन्वेड ही ताइवान को इसलिए करना चाहता है क्योंकि उनकी जो कंपनी है जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, तो अभी तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से, तो इंपोर्ट करने का सारा चक्कर ही खत्म हो जाएगा अगर आप उसको अपनी यू नो कंट्री का एक पार्ट बना लोगे फुल फ्लेजेड टर्म्स में. और USA इसीलिए बेसिकली ताइवान को इन्वेड होता हुआ नहीं देख सकता. तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए इन्होंने कहा है कि हम एग्नोस्टिक. देखिए आप जानते हैं कि जब हम भगवान की बात करते हैं, गॉड की, देर आर सम पीपल हु आर एथीस्ट जो नास्तिक होते हैं, हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, और अगर आप गॉड के बारे में बात तो कहेंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, फिर एक तरह का सेक्शन होता है जो एग्नोस्टिक होते हैं. एग्नोस्टिक मतलब होता है कि दे आर साइलेंट ऑन गॉड, मे बी गॉड इज देयर, मे बी गॉड इज नॉट देयर, बट वी वुडंट यू नो से बैड थिंग्स अबाउट गॉड. ओके, तो वो होते हैं न्यूट्रल लोग. तो यहां पे बेसिकली टेक्नोलॉजी को लेके भी हमें न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, वी हैव टू थिंक ऑफ इट इन अ प्रॉपर एडवांटेजियस वे. यही बेसिकली इन्होंने कहा है क्योंकि अगर हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग स्ट्रांग होगी तभी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमारे साथ कोई अलायंस बनाएगा. अगर हम वीक रह गए, देखिए द वर्ल्ड बिलोंग्स टू, द फ्यूचर बिलोंग्स टू 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्फीयर एंड साथ में स्पेस स्फीयर, सैटेलाइट फैब्रिकेशन, ये सारी चीजें ही फ्यूचर बेसिकली है. तो अगर आप इसमें पीछे रह जाएंगे तो आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री आपके साथ अलायंस बनाना चाहेगी या कोई कंट्री आपसे एक्सपोर्ट लेना चाहेगी. वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग देयर इज समथिंग न्यूट्रल अबाउट टेक्नोलॉजी. मोर एंड मोर थिंग्स आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कॉनोटेशन इन बिल्ट इन टू टेक्नोलॉजी. तो वही चीज बेसिकली जो मैंने आपको कही. देखिए आर्टिकल जो है A diminished she, it is a very, very important article and actually very beautiful, beautifully written. Nevertheless, hona hi tha because it is written by Pratap Bhanu Mehta, who is actually very good at these things. He writes actually very, very nicely. Okay, so hum dekhte hain basically isse pehle, lekin chote articles ko hum you know cover kar lete hain. There are two articles here. Okay, drawing the line. तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या हुआ है, ये कोलिजियम सिस्टम पे है. सुप्रीम कोर्ट हैज जेंटली येट फर्मली स्पोकन इट्स माइंड ऑन द रीसेंट रिमार्क्स बाय यूनियन. अब देखिए जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने बेसिकली कोलिजियम सिस्टम पे बोला है कि कैसे यू नो कोलिजियम सिस्टम
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड नहीं करता, तो खुद से बना लिया जजेस ने कोलिजियम सिस्टम. इट इज एलियन टू आर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेनली डज नॉट प्रोवाइड फॉर कोलिजियम सिस्टम. और जैसे यू नो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली कहा था कि हम रेकमेंडेशंस भेजते हैं, आप उसको बोल दीजिए आपको नहीं पसंद, लेकिन डोंट सिट ऑन देम. ओके, यू डू नॉट इवन टेल अस कि आप खुश हैं उन रेकमेंडेशन से जो हमने नाम आपको भेजे अपॉइंटमेंट के लिए, ना खुश हैं कुछ तो बताइए. यू डू नॉट रिस्पॉन्ड टू अस, सो यू मस्ट डू समथिंग. तो इस पे लॉ मिनिस्टर ने कहा था, देखिए आप कभी भी ये मत कहिए दैट द गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑन द फाइल्स. ओके, तो आप मत भेजो, आप हमें फाइल्स ही मत भेजो सरकार को, यू अपॉइंट योरसेल्फ, यू रन द शो. ओके, तो इस पे जस्टिस एस कॉल जो है बेसिकली उन्होंने कहा था, देखिए ये किसी अगर किसी ने ऐसे चलते फिरते इंसान ने बोला होता या फिर किसी ने भी ऐसी आम जनता में से बोल दिया तो बात अलग थी. मतलब ऑफकोर्स वो ओपिनियन में मैटर करता है, पर अगर कोई एक हाई स्टैचर का इंसान ये बोलता है जो लॉ मिनिस्टर है, तो इसका प्रभाव आप सोचिए कि हर कोई जुडिशरी को किस तरह से, ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तरह मान सकते हैं आप, क्योंकि जो भी तरह की स्टेटमेंट. अब देखिए जुडिशरी का हर यू नो जुडिशरी के बारे में सोचते सबके दिमाग में नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और ये सब आने लग पड़ता है, विच इज ऑफकोर्स आप उनकी डिग्निटी को लोअर कर रहे हो. नॉट टू सजेस्ट कि कोलिजियम सिस्टम बिल्कुल ही फेयर है, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट. ओके, पर इफ यू डू दैट, इफ यू से सच थिंग्स, यही जस्टिस एस कॉल ने कहा, बट दिस शुडंट हैव हैपेंड. Okay, the bare facts are that there are vacancies in the apex court where while the government is refusing to. अब देखिए फैक्ट तो यही कहता है कि apex court में बहुत ज्यादा vacancies हैं. Okay, क्योंकि government refuse कर देते हैं. देखिए अभी क्या हुआ है recently, मैं आपको बता देती हूँ कि you know 21 names recommend किए गए थे collegium system द्वारा सरकार को भेजे गए थे, यानी कि लॉ मिनिस्टर को भेजे गए थे. 21 में से 19 उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट इन द सेंस वापस भेज दिए, 19 लोगों के नाम दोबारा कोलिजियम सिस्टम को वापस भेज दिए और सिर्फ 2 के अप्रूव किए. ओके, तो उन 21 में से अराउंड 10 लोग ऐसे थे जिसको पहले भी सुप्रीम कोर्ट को वापस भेजा जा चुका था लॉ मिनिस्टर द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम ने दोबारा उनको भेजा था कि नहीं हम इन्हीं को अपॉइंट होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन फिर उनको वापस भेज दिया. ठीक है, तो अब आप समझिए कि किस तरह का स्टैंड ऑफ छिड़ गया है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में. This is actually not good. Okay? तो ये चीज basically यहाँ पे लिखी है. The court had reiterated. अब साथ में यही, तो इससे क्या पता चलता है that actually government के part की वजह से ही delay हो रहा. ये fact है. ठीक है, जो इस article में लिखा है. लेकिन इसके बाद भी जो मैं editorial पढ़ूंगी वो बिल्कुल वो बताऊंगी आपको जो editorial में लिखा है. I really want to be as less political as, मैं अपने कोई analysis देना ही नहीं चाहती. Okay? जो यहाँ लिखा है, आई विल डिलीवर दैट एंड दैट ओनली. ओके, द कोर्ट हैड रिटरेटेड द सेम सजेशंस आफ्टर द गवर्नमेंट रिटर्न द फाइल्स फॉर रिकंसिडरेशन. यही चीज जो मैंने आपको बताई. ओके, तो बात अगर आपने वापस भेज दिया, ठीक है, तो वैसे तो आपको अप्रूव करने होते हैं जो कोलिजियम सिस्टम ने आपको नाम भेजे, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम का दो जो थर्ड जजेस केस है उसने क्या कहा था कि रेकमेंडेशन मींस कॉन्करेंस. तो आपने क्या किया, आपने कोलिजियम सिस्टम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोगों की आंखों में करार कर दिया. ओके, ऐसा करने से फॉर लॉन्ग द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट हैव हैड देयर डिसएग्रीमेंट्स ऑन हाउ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर टू बी अपॉइंटेड. एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी पूरा डिटेल में केस सुना था कि यू नो किस तरह से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जजेस की, क्या नहीं होना चाहिए. तो एक किसी ने सजेस्ट किया था, बिकॉज यू नो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट द जजेस अपॉइंट जजेस. तो इस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, वी कैन नॉट एक्चुअली टॉलरेट इम्पीरियो विद इन द इम्पीरियम, यानी कि स्टेट विद इन द स्टेट नहीं हो सकती. ठीक है, अब आप खुद ही को अपॉइंट कर रहे हो, दिस शुड नॉट बी द केस. अब इसी चीज का बेसिकली जो सरकार है वो बार बार रिटरेट करती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर है उन्होंने भी ये चीज कही थी, बट द फैक्ट वॉज कि किसी तरह का कंसेंसस नहीं रीच हो पाया था. बाकी सारे जो ऑल्टरनेटिव दिए गए वो भी गलत ही समझे गए थे, क्योंकि हर तरह से जुडिशरी की पोजीशन लोअरिंग डाउन हो रही थी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस हो रही थी, या बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जो खराब ही मानी गई. इसीलिए यू नो बस क्लीशे टर्म ऐसे लिख दिया गया दैट द प्रेजिडेंट वुड अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस. ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. ऑब्वियसली ये आज की बात नहीं है, ये इशू आज का नहीं है कि कैसे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जजेस की, आज अचानक से उठ गया और लॉ मिनिस्टर पहले इंसान है किरण रिजिजू के जो बोल रहे हैं इनके खिलाफ. नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. 2015 में जब एन जैक को यू नो स्ट्राइक डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जज बेंच द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा,
तभी यू नो ऑफ कोर्स जस्टिस एस कॉल ने भी यही कहा, शायद आप उस चीज को भुला ही नहीं पाए हो, आपको वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई, तभी आप रिकमेंडेशंस को अप्रूव ही नहीं करते हमारी, और यू सिट ऑन फाइल्स बिकॉज यू हैव एक्चुअली नॉट रिकनसाइल्ड विद द रिजेक्शन ऑफ एनजैक एज ऑफ येट. ओके, बट टिल द लॉस्ट. अब देखिए, जस्टिस एस कॉल ने एक और बात बोली कि मे बी यू हैव रिजर्वेशन ऑन द लॉ. लॉ तो अब यही है ना, लॉ ऑफ द लैंड सेज कि कोलिजन सिस्टम ये पॉइंट कर रहे हैं पिछले बहुत सालों से, यही है ना. तो इट बिकम्स लॉ, कन्वेंशन बिकम्स लॉ दैट वे. बट जब तक ये लॉ है और खड़ा है, लॉ इज लॉ. ओके, इवन इफ द गवर्नमेंट सेज इट विल डिले और नॉट एडहेयर टू द लॉ ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, तो मतलब कल को कोई और भी आके कुछ भी कह सकता है, है ना. एनीबडी वुड से एनीथिंग. कल को कोई और लॉ कहेंगे नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम नहीं मानेंगे. जब यू नो क्रिटिसिज्म जब सरकार की तरफ से आ गई, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल यू नो बताने के लिए बिल्कुल आप जुट गए हैं, तो फिर हर इंसान यू नो वुड कम ऑन स्ट्रीट्स एंड से नहीं ये गलत है जुडिश. अब तो कल को कोई यू नो हर कोई सड़क पे खड़े होकर कह देगा नहीं, जुडिशरी का जो यू नो वर्डिक्ट आया वो गलत है, क्योंकि ये पहले खुद का तो नेपोटिज्म संभाल लें, दूसरों को करप्शन के बारे में बाद में बताएं. ऑल ऑफ दैट कैन हैपन. एज जस्टिस कॉल सेड द गवर्नमेंट शुड लुक एट द, अब ऐसे ही जस्टिस कॉल ने ये बोला कि सरकार को लार्जर पिक्चर पे, बिग पिक्चर पे देखना शुरू करना चाहिए. और लार्जर पिक्चर तो डिसमिल है. डिस्पाइट अ 2020 जजमेंट दैट फिक्स्ड टाइमलाइंस टू क्लियर अपॉइंटमेंट्स, रिकमेंडेशंस आर स्ट्रक एट द गवर्नमेंट्स एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि सरकार ही नहीं कर रही. यू नो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा था कि प्रॉपर टाइमलाइन होनी चाहिए जिसमें हम आपको फाइल भेज रहे हैं, तब उसको अप्रूव करो डिसअप्रूव करो या जो भी आपने करना है आप हमें बताओ अपने ओपिनियंस को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. सच डिलेज जस्टिस कॉल रिमार्क हैव अफेक्टेड रिक्रूटमेंट्स विद गुड कैंडिडेट्स रिलक्टेंट टू ज्वाइन द जुडिशरी. अब यही हुआ है, जब देखिए आप जब आप लॉ करते हैं, LLB करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जुडिशरी जो डिस्ट्रिक्ट जज का यू नो जो PCS आई थिंक, तो वो पेपर लिखते हैं, तो वो जज बनने के लिए तो होता है. तो अब बहुत पीपल यू नो लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली रिलक्टेंट टू गो इनटू दैट स्ट्रीम. जुडिशियल ऑफिसर्स लोग बनना ही नहीं चाहते, जुडिशरी में जजेस बनना ही नहीं चाहते, इवन दो दे आर वेरी गुड, दे कैन बी एब्सोल्युटली गुड जजेस, बट दे नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन इट. ओके, उनकी अपॉइंटमेंट, उनका ट्रांसफर, उनका प्रमोशन, उनका अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट जज, ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल उस पर डिपेंड करेगा. तो आप इससे वो रिलक्टेंस को और बढ़ा रहे हो, और फिर आप कहते हो वैकेंसी बहुत है, वैकेंसी बहुत है, सुप्रीम कोर्ट फिल नहीं करती. ओके, शॉर्टेज ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स इज अ मेजर रीजन फॉर पेंडेंसीज विच हैज बीन रिपीटेडली फ्लैग्ड बाय द कोर्ट. पर इसके साथ में एक और बात है जो आज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम बाद. येट रिजूजू हैज अपॉइंट, लेकिन अब देखिए हम किरण रिजूजू को गलत बिल्कुल नहीं कह सकते. ऑफकोर्स अगर वो कह रहे हैं कि सिस्टम में ओपेसिटी है तो है, ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है, ठीक है. और फॉर्चुनेट बात यह है कि जजेस भी अब इस चीज को समझ रहे हैं, जजेस मानते हैं. जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जब उन्होंने अपना यू नो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह पोस्ट ली, उन्होंने ये बात कही कि इस क्रिटिसिज्म को तो मैं बहुत पॉजिटिव लाइट में लेता हूँ. ये हमारी ड्यूटी है कि हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एस्टैब्लिश करें अपने अपॉइंटमेंट सिस्टम के थ्रू. अगर यू नो हम तो इसको करने की कोशिश करेंगे, सो इट इज गुड. ओके, हम यू नो बेसिकली इट इज ओके, यू नो इट इज वेरी गुड कि कुछ सनलाइट लाई जाए अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि देखिए यही सरकार जो अभी प्रेजेंटली है, जो इतना ज्यादा अपोज कर रही है इनको, यही सरकार बेसिकली कहती है जो इंदिरा गांधी के टाइम पे कमिटेड जुडिशरी हुआ करती थी. आपको याद है ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन था, कमिटेड जुडिशरी क्या होता है. कमिटेड जुडिशरी इमरजेंसी के टाइम में वो थी जो बेसिकली सरकार ने इमरजेंसी में बोला कि राइट टू लाइफ नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है राइट टू लाइफ नहीं है, तो उन्होंने कहा ये नहीं है, तो जुडिशरी ने कहा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव, वो नहीं होना चाहिए. कमिटेड जुडिशरी की मांग इंदिरा गांधी ने की थी कि जुडिशरी को यू नो लेजिस्लेचर के साथ या फिर एग्जीक्यूटिव के साथ कमिटेड रहना चाहिए अगर वो कोई अच्छा काम करे, विच इज रॉन्ग. इट इज कम्प्लीटली, इट गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. ओके, इट इज द डेथ नेल ऑफ अ डेमोक्रेसी. लेकिन अगर आप बेसिकली अपने इंटरवेंशन, आप वही सरकार हो जो इस चीज का अपोज करना करते हो इतने टाइम से, लेकिन अगर इट इज गुड, ऑफकोर्स यू नो एनजैक कमीशन में थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफिकेशन करके उसी को लेके आ जाना चाहिए. शायद ऐसा हो सकता है कि और सुप्रीम कोर्ट का जज आप उसमें इंक्लूड कर दो और एमिनेंट पर्सन एक कर दो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. कुछ तो होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी. पर फैक्ट ये है कि अगर आप भी एक कमिटेड जुडिशरी की एक्सपेक्टेशन रखते हो, जो आपने अपॉइंटमेंट में सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को अप्रूव किया और बाकियों को नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है. ओके, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू हैव सर्टेन लॉयर्स ऑन द बार ऑन द बेंच, यू नो व्हाट इज द रीजन. तो ये कमिटेड जुडिशरी इज डेथ नेल फॉर डेमोक्रेसी, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट. द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर ऑन द बैलेंस ऑफ पावर्स. द सुप्रीम कोर्ट्स पुश बैक अगेंस्ट
What tantamounts to overreach by the political executive is timely and welcome. Yes. If you talk about judicial overreach, there is a concept of political overreach also, jo emergency ke time pe hua, that shouldn't be repeated. In parallel, the court should step into overdrive when it comes to reforms within. Ab isi ke saath tha, humne bahut bol diya ki political overreach nahi hona chahiye, but time ye bhi hai ki saath saath mein aap khud pe bhi dhyan do, theek hai? Kuch aapki institution ke andar reforms ki zarurat hai. आपको ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन दोनों को ये दो पिलर जो है इंडिपेंडेंस के उस पर ध्यान देना चाहिए. तो इससे अच्छा कि आपकी इमेज को कहीं लोग और बोल बोल के ऐसे यू नो अनडिग्निफाई करें, आप खुद रिफॉर्म्स की इनिशिएटिव लीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए. द बिग पिक्चर. ओके, अब देखिए ये क्या है, ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है. ये कॉन्ट्रोवर्सी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कॉन्ट्रोवर्सी तो वैसे भी आपको डिस्कस करनी होती है, एथिक्स में आप लिखते ही हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज ही होती हैं, पर और आप लिख सकते हैं, टू नॉट वरी, यू नो ऐसा कुछ गलत नहीं हो जाता, पर उसको थोड़े सोबर टर्म्स में लिखना होता है. और साथ ही में अगर हम ये कॉन्ट्रोवर्सी की बात करें, ये स्पेसिफिकली मेरा रीजन इसको डिस्कस करने का है, सॉफ्ट पावर, जो सॉफ्ट पावर का इशू जो आप पढ़ते हैं ना कि भारत की सॉफ्ट पावर क्या है, क्रिकेट है, बॉलीवुड है, या फिर योगा है ना, तो सॉफ्ट पावर के इशू से हम बेसिकली इसको कंसिडर कर रहे हैं. और एथिक्स इज डेफिनेटली नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके, सॉफ्ट पावर पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑफ कोर्स एक बड़ा क्वेश्चन होगा, इसीलिए हम इस कंट्रोवर्सी को देखते हैं. अब देखिए, पिछले 70 साल में जब से एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस शो है कंट्री का, भारत का. भारत का क्यों शो है? क्योंकि भारत ने जितनी फिल्म्स बनाई है वो कोई कंट्री नहीं बना सकती, ठीक है? मतलब ये कांस नहीं है या बर्लिन नहीं है, पर फिर भी गवर्नमेंट रन शो है. फिर भी जो IFFI है, इसके पास इतनी कन्वीनिंग पावर है कि वर्ल्ड के बेस्ट सिनेमा और फिल्म मेकर्स को ये अट्रैक्ट कर सकता है. ओके, और अपने ही जो बेस्ट टैलेंट है उसको भी स्पेस देता है. एज सच मल्टीपल व्यूज नॉट ऑल द सेम शेड आर बाउंड टू बी एड एंड एक्सचेंज. अब देखिए, जब आपने इतने तरह के टैलेंट, आप ज्यूरी भी एकदम ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, यू नो उसमें हर तरह के कंट्रीज को आप बेंच पे लाने की कोशिश करते हैं, तो ऑफकोर्स हर किसी का अपना एक व्यू है, यू नो हर किसी के व्यूज को एक्सचेंज किया जाना चाहिए. इसीलिए ये बहुत ही नेचुरल था कि एक फिल्म डायरेक्टर जो है, जो काफी एमिनेंट है, अगर इतने एमिनेंट ना होते तो आप डेफिनेटली उनको ज्यूरी के लिए, एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए चूज ही ना करते. चूज किया ना ज्यूरी के लिए, तो मतलब डेफिनेटली एक बहुत एमिनेंट फिल्म डायरेक्टर है, जिनका नाम है नेटिव लैपिड. अब मिस्टर लैपिड जो है, बेसिकली उनके कुछ स्ट्रॉन्ग व्यूज होना लाजमी है, क्योंकि वो इतने सालों से इस फील्ड में है, एंड ही हैज एक्चुअली वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट इट. ओके, तो उनके कुछ स्ट्रॉन्ग व्यूज थे, प्रिज्यूमेबली दिस इज वॉट मेड हिम द राइट चॉइस टू चेयर द ज्यूरी ऑफ द शोकेस सेगमेंट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल. लैपिड ओपिनियन ऑफ द फिल्म. अब लेकिन लैपिड का एक ओपिनियन जो था, स्ट्रॉन्ग व्यू जो था कश्मीर फाइल्स के बारे में, वो जैसे उन्होंने कश्मीर फाइल्स को डिस्क्राइब किया एज अ वल्गर प्रोपोगंडा. ओके, पर ऑफकोर्स यू नो इस फिल्म को, जिस फिल्म के लिए इतने सारे लोगों ने सिनेमा हॉल्स वो एक्चुअली पैक्ड, जिस तरह का यू नो आपने सब देखा सोशल मीडिया पे, जैसे सबने शेयर किया कि एक बहुत लंबी चुप्पी तोड़ी गई है, जो यू नो कश्मीरी हिंदू जो माइनॉरिटी हैं उनके खिलाफ जो हुआ, एक पॉपुलर आर्ट के माध्यम से उसको डिपिक्ट किया गया है. ओके, तो कश्मीर फाइल्स, तो उसके बारे में वल्गर प्रोपेगेंडा बोला, ऑफकोर्स कंट्री को ये बात सही नहीं लगी. ऑफकोर्स इट इज odd that a losing film, और थोड़ा सा odd ये बात भी थी, it was losing already, ठीक है, लेकिन आपने losing film के ऊपर क्यों अपने view points बोले, है ना? क्योंकि usually जो jury speeches होती हैं, वो winner film के लिए होती है, तो ये भी थोड़ा सा odd था. Moreover, one of the jury members has, और साथ ही में एक और jury member, you know, he has come out and said that लैपिड ने कहा ये कंसेंसस व्यू है, दैट इट वाज अ वल्गर प्रोपेगेंडा. ज्यूरी के सारे मेंबर्स ये बिलीव करते थे, पर इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कंसेंसस व्यू तो बिल्कुल भी नहीं है. बट then what is a film festival where an artist, especially one invited to chair a jury, can't speak his mind? मतलब ऐसा क्या ही film festival आपका जहाँ पे एक artist अपना दिमाग बोल भी नहीं सकता, आपने खुद ही नहीं invite किया था ना उनको. Lapid who has never, अब देखिए साथ ही में जो celebrities होते हैं वो बहुत जल्दी खुद को apolitical बोल देते हैं, यही भारत में भी होता है, ये हर जगह होता है, आप समझ रहे हैं कि आप यही देखते हैं, ये हर जगह होता है, क्योंकि उनको basically अपने political choices को mask करना होता है apolitical खुद को बता के. पर जो लैपिड है वो खुद को, उन्होंने कभी ए पॉलिटिकल बोला ही नहीं है, उन्होंने बोला कि मेरी कुछ कुछ पॉलिटिकल चॉइस, ऐसा नहीं है कि भारत में आके उन्होंने ऐसा किया, वो इसराइल के बारे में भी ऐसे ही है, वो अपने वर्ड्स को इधर उधर घुमा फिरा के नहीं बोलते, ही स्पीक डायरेक्टली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली.
Okay, those who run the IFFI should know that without this freedom, that top practitioners of the art like to take for granted, its annual celebration of India's formidable soft power will be just another polite back scratching film to okay. अब देखिए, अगर आप इसको एक यू नो सॉफ्ट पावर का मुद्दा नहीं समझते, या फिर आप इसको एक यू नो एक इस तरह का एक्सचेंज व्यूज करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं समझते, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म नहीं समझते, तो फिर ठीक है, आप इसको वैसे ही बना लो कि आप लाइक माइंडेड नेशन के लाइक माइंडेड इंसानों को चूज करोगे, वही जूरी पे बैठेंगे, तो मतलब फिर ये वैसे ही बन के रह जाएगा जैसे नाइट में जो अवार्ड शोज आते हैं. इजराइल एम्बेसडर टू इंडिया. अब देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये थी, इसको डिप्लोमेटिक इशू क्यों बना दिया? मतलब एक इंसान है, एक इंडिविजुअल इंसान है, उसने अपना व्यू पॉइंट दिया, जो भी था, गलत लगा, सही लगा, हमें अच्छा नहीं लगा, ओके अलग बात है, पर इसको डिप्लोमेटिक इशू, आजकल हर जो हर चीज है वो डिप्लोमेटिक इशू कैसे बन जाती है? ये बात फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे भी हुई थी. आई एम नॉट सेइंग के फार्म लॉस की जरूरत नहीं थी, फार्म लॉस की जरूरत थी, आज भी है, ठीक है, पर उसमें ऑफकोर्स कुछ कुछ क्लॉजेज जो थे वो सही नहीं थे, उसको मिसइंटरप्रेट किया जा सकता था. इस पे ये आपको कोई इंसान बोलता हुआ जिसमें थोड़ी सी भी अक्ल होगी, वो इंसान कोई बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि फार्म लॉज की जरूरत ही नहीं है, फार्म रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर एग्रीकल्चर को सेव करना है तो. पर ऑफ कोर्स इट वाज अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि उसमें डिस्कस नहीं किया गया, ऑर्डिनेंस रूट था, कोऑपरेटिव फार्मिंग पे कुछ कुछ गलत लिखा था, डीएम के पावर दिया, कोर्ट आप जा नहीं सकते, कुछ चीजें गलत थी, इसीलिए उसको स्ट्राइक डाउन किया गया, ठीक है. लेकिन उसमें भी हर चीज को एक डिप्लोमेटिक इशू बना देना, यू नो एक्टर्स द्वारा ट्वीट आना, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो उस समय भी ऐसी चीजें आई. अब वैसे ही क्या हुआ, इसराइल के जो एम्बेसडर हैं जो इंडिया में है, नाउ गिलोन, उन्होंने बेसिकली ऐसा लगा कि गलत हो गए बहुत ज्यादा, उन्होंने इनको क्या किया, ही स्टार्टेड टंग लैशिंग लैपेट. उन्होंने कहा कि यू नो इंडिया में भगवान माना जाता है, आई एम टेलिंग यू क्या बोला था, यहाँ नहीं लिखा है सब कुछ, इंडिया में गेस्ट को भगवान माना जाता है, लेकिन आपने उस चीज को ही गलत साबित कर दिया, आपने मतलब उस चीज को, आपको इनविटेशन को गलत प्रूफ कर दिया और बहुत गलत था ये सब कुछ वगैरह उन्होंने बोला. और इसराइल अपोलोजाइज करता है इस चीज के लिए. भाई व्हाई शुड इसराइल अपोलोजाइज, मतलब क्या जो लैपिड है वो पूरे इसराइल का व्यू पॉइंट लेके आए थे? नहीं ना. So this is not good. Okay, although Indian diplomacy is doing fantastic, ये चीज़ मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, but this I you know sort of do not like. This was uncalled for diplomatic intervention in a matter that had nothing to do with him or the Israeli state. For one, Lapid did not identify his views as those of Israel. More importantly, India-Israel ties do not hang by the slender thread of मतलब India-Israel का जो वो रिश्ता है या जो diplomatic relations के हम 30 साल celebrate कर रहे हैं इस साल से, कि इतना नाजुक है कि बस एक फिल्म रिव्यू पे किसी ने अपना अपना फिल्म में अपना ओपिनियन रख दिया तो वो खत्म हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. तो ये चीज गलत है. इवन दो इन्होंने कुछ यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत बार कश्मीर फाइल्स के लिए बोला दैट इट इज अ मस्ट वॉच और इस तरह की बातें, पर ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारों का रिश्ता इतना यू नो इतना लूज है कि इसको कोई भी तोड़ सकता है, फिल्म का रिव्यू तोड़ सकता है. तो ये डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन वॉज अनकॉल्ड फॉर. ओके, तो देखिए बस पॉइंट यहाँ पे इतना सा था कि सॉफ्ट पावर इंडिया की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी ताकत है. सॉफ्ट पावर ही तो है जो यू नो चाइना जैसी कंट्री को भी लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके पास सॉफ्ट पावर है ही नहीं. एक अथॉरिटेटिव स्टेट के पास कैसे सॉफ्ट पावर हो सकती है? अब जापान इतना बड़ा देश है लेकिन उनके पास सॉफ्ट पावर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जापानीज इंपीरियलिज्म आप पढ़ के देखिए कितना खतरनाक था. उनके साथ जो हुआ ऑफकोर्स वो बहुत बुरा था, हिरोशिमा नागासाकी, उसके बाद वो एक पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किया, वो सब कुछ बहुत अच्छी बात है, बट जापान के पास भी सॉफ्ट पावर नहीं है. तो इंडिया के पास सॉफ्ट पावर ही तो है, पर सॉफ्ट पावर डेमोक्रेटाइज होनी चाहिए ना. सॉफ्ट पावर का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बस एक ही तरह के व्यूज, एक ही तरफ से मोनोलॉग आएगा. दिस इज नॉट गुड. ओके, अ डिमिनिश्ड शी. ओके, लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. इसमें बहुत सारी चीजें आपको चाइना के बारे में पता ना हो शायद, अगर आप एक बहुत लंबे फॉलोअर नहीं है न्यूज़पेपर्स के या इस फील्ड के. ओके, तो जो प्रोटेस्ट हम बेसिकली चाइना में देख रहे हैं, प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है, चाइना में पहले ही प्रोटेस्ट होते थे, ठीक है. फॉर ईयर्स द चाइनीज स्टेट यूज. अब देखिए चाइनीज स्टेट क्या होता था, मैम यहाँ पे नहीं लिखा, अगेन यू नो इसीलिए यू वुड नीड पीपल लाइक मी और समबडी एल्स जो आपको बता सके कि ये हिडन बातें लिखी क्या होती हैं जितने बड़े बड़े एडिटोरियल्स आते हैं. ओके, तो इसमें देखिए पहले क्या होता था, जो माओ थे ना,
माओ क्या करते थे, वो प्रोटेस्ट को सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज करते थे या फिर एक इन्फॉर्मेशन कॉन्ड्यूट की तरह यूज कर सकते हैं करते थे। मतलब वो प्रोटेस्ट होने देते थे, माओ प्रोटेस्ट होने देते थे, जिससे पता चलता था कि अच्छा लोग कौन कौन से लोग हैं जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो पर्टिकुलर इशू को गलत मानते हैं, पर्टिकुलर पॉलिसी को गलत मानते हैं। फिर उन्हें पता चल जाता था कि कौन कौन से प्रोटेस्टर, वो कहते थे हम तो डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हैं, आप आइए अपना व्यू पॉइंट रखिए, निंदा कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। पर ये सब कुछ ड्रामा होता था। ये जो लीडर्स होते थे अथॉरिटेटिव, माओ जैसे, वो प्रोटेस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक सेफ्टी वॉल्व की तरह देखते थे। इससे उनको पता चल जाता था कौन उनके क्रिटिसाइज करता है, कौन उनको, कौन उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करता। फिर उन लोगों को वो टारगेट करते थे, उनको मरवा देते थे और उन तरह की पॉलिसीज को और स्ट्रॉन्ग कर देते थे ताकि कोई इंसान बोल ना पाए अब इस बात के खिलाफ। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज प्रोटेस्ट डिड नॉट, अब इसीलिए बहुत, क्योंकि जब क्वेल कर ही देना है अल्टीमेटली चाइना में हर प्रोटेस्ट का जो अंजाम है वो क्रैकडाउन ही होता है, हर प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन करना ही पड़ता है, यही होता है चाइना में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी, और इसीलिए बेसिकली कोई भी प्रोटेस्ट जो अथॉरिटी है लीडर की उसको डेंट नहीं कर पाती या कम्युनिस्ट पार्टी की, ओके ये स्ट्रेंथन ही करती है क्योंकि पार्टी को लीडर को पता चल जाता है कौन कौन से लोग उनके खिलाफ है, फिर उनको टारगेट करते हैं, फिर लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि अगर आप भी बोलोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, तो फिर आपकी जो अथॉरिटी है और स्ट्रेंथन हो जाती है, यू बिकेम द लीडर एंड लीडर। बट दैट स्ट्रैटेजी हैड फोर अजम्पशन। लेकिन आज से पहले जो प्रोटेस्ट की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी सेफ्टी वॉल वाली, इसकी चार अजम्पशन होती थी और ये चारों अजम्पशन इस वाली प्रोटेस्ट में जो कोविड के खिलाफ हो रही है वो फेल हो रही है। तो पहली अजम्पशन क्या थी जो हुआ करती थी, द इशूज टेकन अप इन द प्रोटेस्ट वर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक, यानी कि बहुत स्पेसिफिक इशूज हुआ करते थे कि हम डेमोक्रेसी ही मांगते हैं या फिर हम कम्युनिज्म ही मांगते हैं या फिर हम खाना ही मांगते हैं, जो हम भूख के वजह से जो बन रहे हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के हिसाब से की वजह से जो माओ लेके आए। तो ये बहुत स्पेसिफिक एक ही मुद्दा होता था जिसके जिसके लिए प्रोटेस्ट हुआ करती थी। सेकंड अजम्पशन जो होती थी, दे वर्क इन अ सिस्टम ऑफ रिलेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, काफ़ी हद तक आप सोचेंगे वहाँ के मेयर्स, वहाँ का जो पंचायती राज टाइप सिस्टम है, मतलब ऑफकोर्स मेयर सिस्टम जो है वहाँ के, म्यूनिसिपल सिस्टम जो हमारे यहाँ के पंचायती राज सिस्टम से बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन एग्जिस्ट करती है और बहुत अच्छे मात्रा में एग्जिस्ट करती है। तो पहले क्या होता था, पहले एक अजम्पशन इन प्रोटेस्ट की हुआ करती थी कि जैसे लोग हैं गाँव में, लोग रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनको अपने जो लोकल लीडर है ना, यानी कि जो म्यूनिसिपल लीडर है, सफाई नहीं होती या वो कुछ तरह की पॉलिसीज को ठीक नहीं कर रहे, उनके खिलाफ दिक्कत होती थी। ठीक है, क्योंकि वो अपने लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रस्ट करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो बल्कि ये समझते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारे सेवियर हैं, वो लोकल गवर्नमेंट को बदल सकते हैं और हमारी बातों को सुलझा सकते हैं। ओके, ये होती थी सेकंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन, द प्रोटेस्ट वॉज यूज एज इन्फॉर्मेशन, बट द गाइडिंग अजम्पशन वॉज दैट द सेंट्रल लीडरशिप हैड सम काइंड ऑफ नॉलेज, यानी कि इन्फॉर्मेशन आएगी, हमें पता चलेगा कि क्या बेसिकली लोग खिलाफ हैं किस चीज़ के, तो फिर वो चीज़ हमें पता चल जाएगी और हमारे पास उसका सोल्यूशन है, लीडर के पास उसके पास बड़ा सोल्यूशन है कुछ, ही हैज सम पीस ऑफ नॉलेज विच इज ग्रेटर, और वो उसके साथ उसको डील कर देगा, ही वुड करेक्ट दैट एरर। ओके, और फोर्थ अजम्पशन ये होती थी, द एबिलिटी टू कंट्रोल द इन्फॉर्मेशन ऑर्डर इनफ टू स्टॉप एनी पॉसिबल कंटेजियन इफेक्ट्स, यानी कि आपके पास सेंसरशिप है, आप लगाइए, आप इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होने दे सकते, ट्विटर पे आप है नहीं, चाइना ट्विटर चलाती नहीं, वाइबो चलाती है, इन्फॉर्मेशन एक ही टीवी चैनल वाला है, जो टीवी चैनल पे वही होगा जो सरकार पब्लिश करती है, तो आप फिर क्या करते हैं, इधर से उधर वो मैसेज ट्रांसफर नहीं होने देते। ये है पिछले प्रोटेस्ट के चार अजम्पशंस। अब हम देखते हैं चारों की चारों कैसे फेल हो रही हैं इस बार की प्रोटेस्ट में। ऑल फोर अजम्पशंस आर बीइंग टेस्टेड, फेल नहीं तो टेस्ट तो हो रही है ये प्रोटेस्ट में। पहला तो इट इज वेरी हार्ड टू गॉज, द प्रोटेस्ट आर ऑस्टेंसिबली, पहला क्या था कि एक स्पेसिफिक इशू के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब ऊपर से तो हमें लग रहा है ये कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही है, पर कुछ भी हो रहा है, जीरो कोविड पॉलिसी तो है कैंपसेज में, यूनिवर्सिटी कैंपस में, बीजिंग के जो फ्लाई ओवर है उस पर होर्डर, कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कह रहे हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, कहीं पे लिखा है डेथ टू लीडर लिखा है, कहीं पे कुछ और लिखा है, तो ऐसे कोई एक मुद्दा है नहीं। व्हाट इज द ग्रामर और व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस प्रोटेस्ट, कोई एक पर्टिकुलर तरह की, बहुत सारे प्रोटेस्ट ऐसे हो रहे हैं जिसमें ब्लैंक पेपर लेके लोग चल रहे हैं, मुंह पे एक टेप लगा के चल रहे हैं, वी वांट फ्रीडम टू स्पीक, कई जगहों पे ये हो रहा है, कई जगहों पे एक जो फ्रीडमैन स्टेटमेंट है, जो मैथमेटिक्स की एक फ्रीडमैन स्टेटमेंट है, वो पेपर पे लेके लिख के चल रहे हैं, तो फ्रीडमैन स्टेटमेंट से उसका कोई मतलब नहीं है, वो मैथ्स का जो एक फॉर्मूला लिख के चल रहे हैं उसका मतलब सिर्फ इतना है कि फ्रीडम चाहिए हमें। ठीक है, बहुत सारी चीजें इस तरह की हो रही है, वी वांट फूड, कोई कह रहा है हमें फूड चाहिए, कोई कह रहा है कि हमें वेजेस चाहिए, इस तरह के कोई कह रहा है कि हमें फ्रस्ट्रेशन से वो चाहिए,
फ्रीडम चाहिए जो हमें बेसिकली लॉकडाउन की वजह से हो रही है, तो कोई एक ग्रामर है ही नहीं इन प्रोटेस्ट की. बट द फैक्ट दैट चाइना इज बिकम मोर सेंट्रलाइज्ड इज अ प्रॉब्लम फॉर शी. आप सेंट्रलाइज तो बन गए, अब डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो सेकंड अजम्पशन है वो देख रहे हैं. अब देखिए, दो लोकल गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूट रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज. ऑफकोर्स लोकल गवर्नमेंट रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज फॉलो करते हैं वहां पे. पर अब आप तो कहते हैं सब कुछ सेंटर है, यू आर द कोर ऑफ द कंट्री, है ना, यू आर द लीडर, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोविड पॉलिसी आपकी पॉलिसी है, रीजन स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है, तो लोग लोकल गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करेंगे, आपको ब्लेम करेंगे ना इस चीज के लिए. तो ये बात है यहाँ पे डिफरेंट. ठीक है, तो अब जो यू नो जो विद्रोह है, जो एग्रेशन है, वो लीडर के खिलाफ है, ना कि लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ. ओके, ये चीज यहाँ पे लिखी है, द प्रोटेस्ट आर अ स्टेटमेंट दैट द लीडरशिप इज नॉट इन द बेस्ट पोजिशन. साथ ही में ये प्रोटेस्ट ये डिपिक्ट करती है कि यू नो आप कब तक लोगों को अपने चारे की तरह यूज करोगे फॉर योर प्रेफर्ड टारगेट. यू वॉन्ट टू बी नोन एज माओ, यू वॉन्ट टू बी नोन एज द ग्रेटेस्ट लीडर, द चाइना ड्रीम एंड ऑल दैट. यू यूजिंग पीपल एज जस्ट योर रिसोर्सेज, यू कांट डू दैट. द रिजीम कैन नॉट डिस्गाइज. अब आप अपने फेलियर, सबसे पहली बात तो जीरो कोविड पॉलिसी आप जो आज लेके आ रहे हो आपके फेलियर की वजह से है. आपने सब लोगों को वैक्सीनेट नहीं करवाया, आपने अभी तक वहां के लोगों ने वैक्सीनेशन पूरी तरह से दी नहीं है, और साथ में आपकी जो वैक्सीनेशन है वो बेकार है. सिर्फ 50% 55% 60% आप उसकी एफिकेसी रेट है, तो वो भी सीरियस डिसीज के खिलाफ. तो आप सोच के देखिए, इतनी कम एफिकेसी, आप ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है. साइनोवैक साइनोफार्म आपने देनी है, साइनोवैक की एफिकेसी है नहीं, आप फाइजर ले नहीं सकते, कोविशील्ड ले नहीं सकते, क्योंकि चाइना महान है पर वो किसी को बचा नहीं पा रहा. तो फेलियर आपका है. ठीक है, तो उसको जीरो कोविड पॉलिसी लॉकडाउन की वजह से आप उसको जो छुपा रहे हैं, मास्क कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. विथ स्टीप स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ. अब साथ ही में आपकी अथॉरिटी तो और लो डाउन हो रही है, क्योंकि आप तो सेकंड यू नो इकोनॉमिक पावर हैं, और आपके लोग ये कहते हैं कि हम बहुत जल्दी नंबर वन इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो दिख नहीं रही, बल्कि वो तो स्लो डाउन दिख रहा है. आपका रियल एस्टेट सेक्टर जो 25% आपकी GDP को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो बिल्कुल शैम्बल्स में है. ठीक है, तो वो आप कर नहीं रहे, तो आपकी अथॉरिटी और लूज हो जाएगी. तो देखिए, ऑफकोर्स शी जिनपिंग कुछ क्रैकडाउन तो करेंगे ही, या कोई कंसेशन देंगे, जो भी करेंगे, इवन इफ ही क्रैक्स डाउन, पर ये जो डेंट उनकी अथॉरिटी पे लगा है, ये कभी ना कभी तो दोबारा इसका फायदा उन्हीं के पार्टी के मेंबर्स उठाना शुरू हो जाएंगे आने वाले महीनों में. देखिए, जब पार्टी के अंदर के लोगों को पता चल जाता है ना कि हमारा लीडर वीक है, तो फिर लोग बोलने लग पड़ते हैं कि हमें लीडर बनना है, या फिर उनके जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं वो सामने आने लग पड़ते हैं. आई डिड नॉट वॉन्ट टू गिव द एग्जाम्पल, पर कांग्रेस में बहुत हद तक ऐसा हुआ. अब देखिए, ये क्यों हुआ, ये क्या पॉलिटिक्स है, वो उसमें मैं नहीं जाऊंगी, एंड आई डू नॉट इवन वॉन्ट टू. मेरे को बस यहाँ पे एग्जाम्पल आपको रिलेटेबल बताना था, इसीलिए यहाँ पे बता दिया. एंड फाइनली देर इज कंट्रोल ओवर द इन्फॉर्मेशन. अब देखिए, अगर हम कंट्रोल ओवर द इन्फॉर्मेशन ऑर्डर की बात करें, अगर इतना ही आपका सेंसरशिप प्रोपोगंडा स्ट्रांग होता, ठीक है, एक चीज सबको समझ लेनी चाहिए कि आप कितना भी यू नो अपना प्रोपेगेंडा चला दीजिए, न्यूज मीडिया चैनल्स खरीद लीजिए, कोई भी लीडर या फिर कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं फैलनी है तो आप उसको रोक नहीं सकते. ओके, अगर एक अनसेंसर्ड शॉट जो गलती से पहुंच गया, जहां पे जो यू नो वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है, और वहां पे सारे जो चीयर कर रहे हैं, उन्होंने किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, और चाइनीज रोने लग पड़े ये चीज देख के कि हम मास्क पहन रहे हैं, हम तो इतने खुश भी नहीं है, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते, ये क्या लाइफ है, संसार तो पूरा खुल चुका है, व्हाई आरंट वी ओपनिंग अप. तो गलती से एक शॉट ने जब इतने इमोशंस ट्रिगर कर दिए, तो आप सोचिए, आपके पास ट्विटर नहीं है, समझ आता है, लेकिन और भी बड़े तरीके हैं. अगर आपके पास सेंसरशिप पावर है ना, तो मास्क जो है, मास के पास जितनी इंफॉर्मेशन फैलाने की पावर है, आप सोच भी नहीं सकते. वो हर कंट्री का मास है, कोई भी कंट्री का, हर किसी के पास तरीका होता है, पीपल आर जुगाड़ू. ओके, इन दिस केस चाइनाज रिफ्यूजल टू यूज वैक्सीन मेड एल्सवेयर लेफ्ट इट वल्नरेबल टू अ लार्जर लॉकडाउन. देयर इज नो डायरेक्ट लाइन फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू पॉलिटिकल फ्रीडम, बट द मॉडर्न वर्ल्ड डज रिक्वायर स्पेस फॉर पर्सनल फ्रीडम दैट पॉलिटिकल ऑर्डर्स चैलेंज इन द लॉन्ग रन एट देयर ओन पेरिल. तो हमने चारों assumptions को देख लिया कि कैसे टेस्ट हुई हैं इन प्रोटेस्ट की वजह से. अब यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है, वैसे तो बहुत खास नहीं दीज प्रोटेस्ट. अब देखिए, इस प्रोटेस्ट की बेसिकली जो हो रही हैं, और सबसे यूनिक बात ये है, जब जो हम बार बार इसको कंपेयर कर देते हैं 1989 के Tiananmen स्क्वायर, जहाँ पे बेसिकली यू नो अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ प्रोटेस्टर्स एक्चुअली डिमांडिंग डेमोक्रेसी, बट दैट वॉज ओनली अ प्लेस, उस स्क्वायर में बेसिकली Tiananmen स्क्वायर में वो उस चीज की डिमांड कर रहे थे. अब ये प्रोटेस्ट तो शंघाई में, बीजिंग में, उरुमची में, बहुत सारी जगहों पे फैल गई है, राइट, चाइना के. तो इट इज वाइड स्प्रेड, इवन दो इट इज नॉट एज पावरफुल एज Tiananmen यूज टू बी, बट इट इज वाइड स्प्रेड इन दैट सेंस. ओके,
अब साथ ही में इसके कुछ ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी हैं। द ग्लोबल मूड एफिलिएशन अबाउट डेमोक्रेसी विल अंडरगो अ शिफ्ट। डेमोक्रेसीज, अब देखिए डेमोक्रेसीज क्राइसिस में है, इस बात में कोई दोराहे नहीं है, ठीक है। पर जो अरब जो अथॉरिटेरियन रजीम्स हैं वो उससे भी ज़्यादा बड़े क्राइसिस में है, ये बात इस चीज़ से पता चलती है। और रशिया में भी तो यही है। रशिया में आप समझते हैं कि कब तक मिस्टर यू नो पुतिन जो है, एक बारी प्राइम मिनिस्टर एक बारी प्रेजिडेंट, यही खुद को बनाते रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके। या यूक्रेन वॉर जो हुई है, ठीक है आपने रोक दिया सबको बोलने से, हम समझते हैं आपके पास पावर है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये हर हर टाइम तक चलेगा। अगर लोग आपका आपको नहीं पसंद करते, आप ऑपोजिशन को बार बार मनवाने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ के लोग एक टाइम के बाद बोलना शुरू करते हैं। सो द प्रोटेस्ट अंडरस्कोर द फैक्ट दैट डिमांड्स फॉर अ फेयर डिग्री ऑफ पर्सनल फ्रीडम, फ्री इन्फॉर्मेशन और दैट गवर्नमेंट जस्टिफाइज देमसेल्व्स टू देयर सिटीजंस आर नॉट पैरोकियल कल्चरल वैल्यूज। फ्रीडम की जो मांग है, पर्सनल फ्रीडम की, लिबर्टी इज द बिगेस्ट वैल्यू वन शुड एक्चुअली फेवर। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन पर्सनल फ्रीडम, ओके। और आप वही नहीं देते अपने लोगों को, आप फ्री इंफॉर्मेशन नहीं देते, आप जस्टिफाई नहीं करते अपनी गलतियों को कि आपने क्यों ये ऐसा इतना होने दिया अपने ही सिटीजन को, तो ये वैल्यूज तो आर समथिंग पीपल वुड एक्चुअली वॉन्ट टू हैव, ओके। But the economic and strategic implications of this shift are uncertain. अब देखिए ये नहीं पता, लेकिन अभी ये सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन होगा क्या ये हमें नहीं पता। शी इसके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा, शायद थोड़े बहुत कंसेशन देते, शायद कुछ जस्टिफिकेशन देते, क्योंकि थोड़े कंसेशन डेफिनेटली डेंट नहीं होती अथॉरिटी में, इतने तो स्मार्ट शी जिनपिंग भी हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट एज मोर कुकी चिन रिफ्यूजीज आर एक्सपेक्टेड टू एंटर मिजोरम। तो देखिए क्या हुआ है, 10 दिन हो गए हैं उस बात को जब पहला बैच ऑफ ओवर 270 कुकी चिन रिफ्यूजीज उन्होंने क्रॉस किया और वो इंडिया में आए, मिजोरम में। बेसिकली उनको पनाह मिली है, स्कूल्स वगैरह में उनको जगह दी गई है रहने के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बताती हूँ। ऐसे में जो एक कम्युनिटी है कुकी चिन, जो हमारे काफ़ी कल्चरल टाइज हैं, ऑफकोर्स नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे कम्युनिटी इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं एथनीसिटी के टर्म्स में। तो बेसिकली ये चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट एरिया में रहते हैं बांग्लादेश के, ठीक है। वो वहाँ से भाग के आए हैं। अब क्यों भाग के आए हैं, क्योंकि जो रैपिड एक्शन बटालियन है यू नो बांग्लादेश का, उन्होंने क्रैकडाउन किया है कुकी चिन फाइटर्स के खिलाफ। कुकी चिन फाइटर्स क्या है, एक आर्म्ड विंग है कुकी चिन नेशनल फ्रंट का। बांग्लादेश को ये पता चला है कि इन लोगों के पास हमेशा से ट्रेनिंग तो थी, आर्म्ड ट्रेनिंग तो थी, लेकिन इन लोगों के पास फिनेंशियल सपोर्ट नहीं था, और इन्होंने एक फंडामेंटलिस्ट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह का फिनेंशियल सपोर्ट ले लिया, और फिर उसके बाद ये काफ़ी प्रिपरेशन में थे कि कोई इस तरह का अटैक करेंगे या कुछ भी। तो इसीलिए फिर आम जनता सफ़र करती है, आम जनता रिफ्यूजी बन जाती है, और फिर उनको यू नो बॉर्डर लांग के कहीं और जाना पड़ता है, फिर उनका सर्वाइवल लाइवलीहुड सब स्टेक पे हो जाता है, और वही इस केस में हो रहा है इंडिया के केस में। पर इंडिया और बांग्लादेश इस चीज़ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अभी होम मिनिस्ट्री से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि इसको कैसे डील किया जाएगा, कब दोबारा वापस भेजा जाएगा। UNDP टू हेल्प वेस्ट सेग्रीगेशन वर्कर्स एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इट इज़ हेल्पिंग वर्कर्स इन द वेस्ट सेग्रीगेशन, जो भी वर्कर्स वेस्ट सेग्रीगेशन इंडस्ट्री में भारत की बिलोंग करते हैं, वो उनको फॉर्मल इकोनॉमी में बेसिकली ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। जो भी वेलफेयर स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं, आधार कार्ड हैं, जनधन अकाउंट्स हैं, आयुष्मान भारत, पेंशन स्कीम, स्कॉलरशिप्स फॉर देयर चिल्ड्रन, दे आर मेकिंग देम अवेयर। सफाई साथी जो है बेसिकली UNDP ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स दे प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल, ओके। सो दे आर द एक्चुअल लाभार्थीज ऑफ सच वेलफेयर स्कीम्स, ओके। नीति आयोग प्रपोजेज डीकार्बनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशंस। तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS बेसिकली एक, ये एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अम्ब्रेला टर्म के अंदर आती है, जो हम जैसे मैं आपको बता ही देती हूँ स्टार्टिंग में ऐसा होता क्या है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है कार्बन कैप्चर, ठीक है सबसे पहले तो, और एक वर्ड लिखा है स्टोरेज। तो आप सपोज कीजिए एक बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, उसमें से बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है, CO2 एमिशन होता है, फिर आपने क्या किया उसको, उस कार्बन को जो निकल रहा है उसको स्टोर कर लिया अंडरग्राउंड, यानी कि एक चिमनी है, चिमनी से वो धुआं निकलेगा और चिमनी को आपने दोबारा यूटर्न लेके बेसिकली वापस आप अंडरग्राउंड ले गए, ऊपर निकलने नहीं दिया धुएं को, और आपने उसको जियोलॉजिकल फॉर्मेशन यानी कोई पोरस रॉक्स हैं, लाइमस्टोन है, किसी इस तरह के रॉक्स में बेसिकली उस कार्बन को स्टोर कर लिया। बहुत टाइम तक स्टोर किया जा सकता है ना इन पोरस रॉक्स में, तो
फिर आपने क्या किया, इन पोरस रॉक्स में से एक पाइपलाइन निकाल दी, पाइपलाइन निकाल दी, और फिर वो जो CO2 है उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे CO2 की जरूरत है. तो यानी कि यू आर यूटिलाइजिंग ऑल्सो, यू स्टोर इट, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैप्चर कार्बन, देन यू स्टोर इट इन द पोरस रॉक्स और वट एवर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, देन यू यूटिलाइज इट, यू सेंड इट और सप्लाई इट, या फिर आप शिफ्ट कर देते हैं उन पोरस रॉक्स को ही, या फिर आप उधर से ही पाइपलाइन निकाल के उस इंडस्ट्री पे भेज देते हैं जहाँ पे उस कार्बन की जरूरत है. ठीक है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जा रहा है स्टील के लिए, सीमेंट के लिए, ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, इन सारी चीजों के लिए नीति आयोग द्वारा काफी प्रमोट किया जा रहा है. बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव अ क्रिटिकल रोल टू प्ले फॉर द कंट्री, बिकॉज वी वांट टू हाफ आवर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय 2050. ओके, तो ये चीज हुई है. साथ ही में देखिए 2070 तक का अगर हमारा टारगेट है दैट वी हैव टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक एवरी पॉसिबल इनिशिएटिव फॉर डीकार्बनाइजिंग आवर इंडस्ट्रीज. Telangana gets recovery notice for taking up works not allowed under मनरेगा. तो क्या हुआ है, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बेसिकली एक नोटिस सर्व किया है तेलंगाना सरकार को. उन्होंने बोला है कि आप हमें 151.9 करोड़ रुपीज वापस भेज दो, क्योंकि आपने उसे किया तो मनरेगा स्कीम के तहत ही यूज, लेकिन आपने इन तरह की चीजों के लिए उसको, इन तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर लिया जो परमिटेड ही नहीं है. जिस तरह के चीज़ें परमिटेड ही नहीं है मनरेगा के तहत, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ही परमिटेड है ना, तो आपने फिश ड्राई करने के लिए, ग्रेन ड्राई करने के लिए कैसे इसको यूज कर लिया. सो रिटर्न दैट मनी बैक. ओके, तो ये चीज बेसिकली हुई है. BSF ऑल वुमेन पेट्रोल टीम शूट्स डाउन पाकिस्तान ड्रोन, सीजेस 3 kg ऑफ नार्कोटिक्स. तो फाइनली क्या हुआ इससे, तो सबसे पहले ये पता चलता है कि किस तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नार्कोटिक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. आप ये इंटरनल सिक्योरिटी GS3 के लिए प्रिपेयर करते हैं. कोई भी ऐसा अगर इवेंट अनफोल्ड होता है, यू मस्ट पे एन अटेंशन टू इट. ओके, तो एक ऑल वुमेन पेट्रोल टीम जो है BSF की, उन्होंने शूट डाउन किया है एक ड्रोन को जो भारत की टेरिटरी में एंटर किया पाकिस्तान से इन द लेट आवर, यानी कि बहुत रात के समय में मंडे को. The drone was suspected to carry narcotics. It was intercepted by 2 BSF constables when they were on patrolling duty. Okay, Pakistan border ke saath. Yehi saari cheeze yahan pe likhi hai. There's nothing much in it. Bas it was more symbolic and very good example. Yahan pe bas yehi cheeze mujhe aapko batane thi. AIIMS services remained disrupted for 7th straight day amid alleged ransomware attack on its servers. तो आपको याद होगा हमने ब्लू बगिंग और ये सब वगैरह जब डिस्कस किया था, तो मैंने आपको ransomware के बारे में बताया था. ransomware में बेसिकली क्या होता है, आप एक साइबर अटैक कर देते हैं, फिर उसके बाद आप खुद ही के कंप्यूटर का डेटा अवेल नहीं कर सकते जब तक आपका जो हैकर है आप उसको 200 करोड़ या जितना भी वो मांगता है ransom, वो आप उसको पे नहीं कर देते. ransom यही होता है ना, जब कोई किडनैप करता है तो फिर कहते हैं कि आप 1 करोड़ दे दो अपने बच्चे के बदले. इस तरह की जो चीजें होती हैं जो काफी खतरनाक है, वो एक मालवेयर अटैक है. ब्लू बगिंग क्या होता है, मैं दोबारा बता देती हूँ. ब्लू बगिंग इज बेसिकली जब आपका ब्लूटूथ जो है फोन का वो डिस्कवरेबल मोड पे है, कोई हैकर है फिर उसको लिंक कर लेगा आपके ब्लूटूथ के साथ, और फिर साथ में आप जो भी कॉल्स कर रहे हो, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो सब कुछ पढ़ सकता है, आपके फोन के डेटा को डिलीट भी कर सकता है. ओके, सो दैट अ न्यू फॉर्म ऑफ मालवेयर अटैक दैट वी हैव actually discovered. तो ये कुछ कुछ अटैक्स हैं, इसके मीनिंग आपको बेसिकली पता होने चाहिए. कभी मैच द फॉलोइंग में आ गए, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, इट इज ईजी ओनली. लेकिन अभी जो हो रहा है, जिस तरह का आप देखिए साइबर अटैक है ना, साइबर, जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के टाइम में. ओके, जब आप पढ़ते हैं तो साइबर सिक्योरिटी पे आप एग्जांपल ये बिल्कुल लिख सकते हैं, जो अभी हेल्थ केयर हमारी फैसिलिटीज हैं, जब साइबर अटैक एसेंशियल फैसिलिटीज को डिसरप्ट करने लग पड़े ना, तो वो सच में भारत के लिए एक नई स्ट्रैटेजी की मांग लेके आती है कि साइबर सिक्योरिटी के तरफ एक बहुत स्ट्रांग स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करनी चाहिए. ओके, तो यही बेसिकली हमें पता चल रहा है. जो एम्स के 5 जो सर्वर्स हैं जिनको हैक कर लिया गया है, और ऐसी रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि ऑफ कोर्स एक रैंसमवेयर अटैक है, तो इससे 3 से 4 करोड़ लोगों का जो डेटा है वो अंडर स्टेक है. अभी सब कुछ मैनुअल करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें हो गई हैं. दे आर डिमांडिंग 200 करोड़ इन क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम द हॉस्पिटल. नाउ दिस मेक्स इट इवन मोर अजीब एंड इवन मोर डेंजरस. ऑलरेडी क्रिप्टो को कितना गलत माना जाता है, अब ये अगर कोई बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मेंबर हुए तो ये क्रिप्टो में ले लेंगे. अब क्रिप्टो तो कोई डिसेंट्रलाइज्ड एक वो है करेंसी, तो क्रिप्टो में ले लेंगे और फिर इसको किसी गलत टेरर फंडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो
लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कोई साइबर सिक्योरिटी इस तरह का इशू ना इमर्ज हो. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. व्हाट राइट टू डू, ओके व्हाट राइट डू यू वांट टू प्रोटेक्ट, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स पिटिशनर्स इन जलीकट्टू केस. तो जलीकट्टू केस हम बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं क्या है जलीकट्टू केस. ओके इसमें बेसिकली बुल टेमिंग एक फेस्टिवल है जो इट. अब हम देखते हैं कि बेसिकली तमिल लॉ जो है, पिटिशनर्स का क्या कहना है, वो तमिल लॉ जो है बेसिकली जो प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट के रूप में कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु. ओके तो ये पोंगल फेस्टिवल बेसिकली जनवरी के महीने में हर साल जलीकट्टू होता है. इट इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे सील्स भी ये चीज़ बताते हैं, वहाँ पे इमेजेस मिली हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा है कि तमिल लॉ जो है, तमिलनाडु का लॉ है द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 2017, जो तमिलनाडु का एक लॉ आया था, तो वो बेसिकली इसको रिकग्नाइज करता है एज अ कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ यू नो पीपल ऑफ तमिलनाडु, और वो फंडामेंटल राइट है. तो आपने रिट पिटिशन डाली है एक आर्टिकल 32 के तहत कि मतलब ये गलत है, क्रुएलिटी टू एनिमल है, लेकिन आप रिट पिटिशन तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यू नो डाली जाती है ना. तो आप कौन सा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर हम कोई देख पा रहे हैं वो तो तमिल का लॉ तो ये कहता है कि जलीकट्टू राइट और उनका कल्चर और ट्रेडिशन एक फंडामेंटल राइट है. तो वॉट काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट डू यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट. तो ये बेसिकली पिटिशनर के एडवोकेट ने कहा है, देखिए Your activity does not give a fundamental right status because of an assertion. He said that there was no material to justify Jallikattu as a part of culture. Culture को आपने fundamental right बनाया है, पर Jallikattu culture का part ही नहीं है, कोई material ही नहीं है available. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है. When you talk about, अब साथ में you know Justice K.M. Joseph जो basically lead कर रहे हैं इस bench को, उन्होंने कहा कि आपने, आप कह रहे हैं कि animals भी अगर हम personhood उनको देते हैं तो article 21 के तहत उनको right to life है, और राइट टू लाइफ डिग्निटी. ठीक है, तो आप उसको वो कर रहे थे, कहते फिर प्लांट्स भी हैं ऐसे, तो प्लांट्स भी इंटीग्रेटेड है. फिर इस पे मिस्टर लूथरा जो एडवोकेट है उन्होंने कहा कि एनिमल लाइफ जो है वो ह्यूमन लाइफ के साथ बहुत इनएक्सट्रिकेबली कनेक्टेड है, तो अगर उनको कुछ होता है इवेंचुअली वो ह्यूमन लाइफ को भी अफेक्ट करता है. तो इसीलिए बेसिकली उन्होंने कहा कि तमिल का जो लॉ था जब आपने बैन किया जलीकट्टू को, सिर्फ उसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए उस बैन को वो तमिलनाडु वाले लॉ ले आए, आप वापस उसको हटा दीजिए, ये चीज इन्होंने कही है. डबलिंग कोर्ट स्ट्रेंथ वोंट एंड पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट. तो ये चीज बेसिकली मैं आपको बता रही थी जब हम पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात कर रहे थे एडिटोरियल में. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूजडे को बोला है कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ जजेस बढ़ा देने से ना जो एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है पेंडेंसी ऑफ केसेस की, वो खत्म नहीं हो जाएगी. ओके क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप अच्छे लॉयर्स को ये चीज कंपेल कर पाए कि आप प्लीज बेंच पे बैठिए, जज बनिए. लॉयर्स वांट टू रिमेन लॉयर्स बिकॉज द काइंड ऑफ फ्रीडम यू गेट एज लॉयर्स इज अनमैच्ड. ओके साथ ही में जो पॉलिटिक्स उनको लगता है कि जजशिप में इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीजें नहीं घुसना चाहते लॉयर्स को. अच्छे लॉयर्स जो पोटेंशियल रखते हैं उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो साथ ही में देखिए जो PIL है, जो आप जानते हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है, आए दिन आपको दिख जाएंगे किसी ना किसी PIL के साथ. तो इन्होंने बेसिकली कोर्ट ने बोला है कि जो PIL पिटिशन है जो चाहती है वी शुड डबल द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, वो जरा आप बहुत सिंपलिस्टिक सोल्यूशन आप समझ रहे हो कि प्रॉब्लम इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल प्रॉब्लम है ही नहीं. अब इन्होंने इन्हीं को यू नो रिप्लाई दे दिया इन्हीं के उसमें, उन्होंने कहा कि देखिए आप जो जिस तरह की पिटिशन लेके आए ना मेरे पास, ठीक है, तो वो बेसिकली USA जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनी भी नहीं जाती. तो आप दिक्कत समझ रहे हैं, हमने कुछ ज्यादा ही एक्सेसिबल बना दिया है सुप्रीम कोर्ट को. ओके और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट डिसफंक्शनल हो गया, इसीलिए इतनी पेंडेंसी बढ़ी है. US का या UK का सुप्रीम कोर्ट ये सारे केसेस सुनता भी नहीं, तो हर केस अब सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया जी हम बहुत अच्छे हैं आप हमारे पास आइए, कोई आपकी नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनेगा. तो इसीलिए तो हर तरह की PIL, अभी रिसेंटली एक PIL आई थी एक किसी इंसान की, मिस्टर सावंत, आई डू नॉट रिमेंबर द फुल नेम, उन्होंने कहा जी मुझे प्रेजिडेंट बना दो, अनइलेक्टेड प्रेजिडेंट बना दो, मतलब कोई मेरे अनअपोज्ड प्रेजिडेंट बना दो, क्योंकि हर किसी को हक है ये पॉलिटिकल ये वाला इंस्टीट्यूशन होल्ड करने का, रिपब्लिक सेज इट. तो फिर मिस्टर DY चंद्रचूड़, तब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं थे, इन्होंने कहा फिर ठीक है अगर आपको हक है कि कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है तो हमें भी हक है कि ऐसे लोगों की पिटिशन को खारिज करने का, और आप प्लीज जाइए यहाँ से, कुछ भी उठा के ले आते हैं, कोई आप सड़क पर नहीं खड़े, सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो. तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम, इनका कहना ये है पेंडेंसी ऑफ केसेस इसीलिए है, डिसफंक्शनल सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बन गया है क्योंकि हर तरह की अपील अब वहां जाती है. ठीक है, इन्होंने UK का एग्जांपल दिया, UK में वो डिसाइड करता है UK का सुप्रीम कोर्ट दे वुड हियर ओनली 180 odd केसेस, उन्हीं को उतना ही सुनना है. अब
क्या प्रायोरिटी ऑफ केसेस हैं, फिर वो डिसाइड किए जाते हैं. नाउ हियर एवरी केस रीचेस टू सुप्रीम कोर्ट बिकॉज देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम इन इट. सो प्रॉब्लम इज नॉट एज सिंपल एज यू माइट थिंक, सिर्फ पेंडेंसी ऑफ केसेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. ठीक है, तो ये चीज. अब साथ में एक लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो ये है. All right, betting for exotic meat, gambling dens in Manipur descend further into illegality. Now, this is the height of illegality. क्योंकि क्या हुआ है, एक lottery types चल रही है जिसमें basically क्या है, betting होती है ना, जैसे gambling होती है कि कौन जीता फिर उसको वो मिलेगा, तो उसको क्या मिलता है, prize मिलता है कोई जो जीतता है gambling में. तो अब मणिपुर के कुछ पार्ट्स में क्या हो रहा है कि गैम्बलिंग हो रही है, लेकिन आपको प्राइस क्या मिलेगा, कुछ वाइल्ड लाइफ मिलेगी खाने के लिए, एग्जॉटिक मीट मिलेगा अगर आप जीत गए तो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ऑफ कोर्स इस चीज को बहुत मतलब बढ़ चढ़ के इसको कह रहे हैं कि प्लीज देखिए ऐसा भी हो रहा है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज एक्टिविस्ट बेस्ड इन द टाउन सेड दैट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ पीपल बाइंग रॉफल ड्रॉ टिकट्स रेंजिंग फ्रॉम ₹100 to ₹500 टू ट्राई देयर लक टू विन एक्सोटिक मीट. द लार्ज जितना बड़ा या जितना रेयर बर्ड या एनिमल है या जितनी बड़ा बॉडी पार्ट और रेयर बॉडी पार्ट है उतना ही ज्यादा प्राइस ऑफ टिकट है. ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है, I just read it, इसमें जैसे वाइल्ड बोर्ड्स हैं, डियर है, या फिर बहुत सारे स्क्विरल्स या फॉक्सेस, बैट्स, ये सारे ऑफर पे होते हैं. द ब्लाइट्स ट्रागोपन जो स्टेट बर्ड ऑफ एडजॉइनिंग यू नो नागालैंड है, उसको भी बेसिकली बोली पे लगाया जाता है. तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है, इस तरह की गैम्बलिंग इट इज़ अनथिंकेबल एंड इट इज़ हैपनिंग, दिस इज इवन मोर अनथिंकेबल. ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो.